हेलो एवरीवन, अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे टनल डायोड करैक्टरिस्टिक का. ओके, जो टनल डायोड है उसमें हम जो इसका अपरेटस है उसको कैसे सेटअप करेंगे, इसको पैरेलल सीरीज वाइज जो इसको कनेक्ट करेंगे. यहाँ देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको कनेक्ट करेंगे. जो टनल डायोड है उसको नेगेटिव पॉजिटिव इसको इसके कनेक्ट कर दिया. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने इसको ऑन करना. ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो रीडिंग आएगी. सबसे पहले इसको हमने कैसे करना, एक्सपेरिमेंट को रीडिंग नोट करनी है. इसमें भी कुछ नहीं है, ये वोल्टमीटर है, V1 है, ये V2 है, इन दोनों की रीडिंग नोट करनी है. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दिखाइए पहले थोड़ा सा. यहाँ पे मैंने रीडिंग ली हुई है, जैसे 0.53 पे, यहाँ पे 0.09 आई है. ठीक है, फिर 10 आई है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है. मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, कहाँ तक आएगी, जैसे 138 तक आई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है 0.36 तक. ओके, तो उसके बाद क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर तक आएगी, उसके बाद एकदम से फ्लक्चुएशन होगी, वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी वोल्टमीटर V1 की रीडिंग. ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट यही करेंगे, आपको दिखाता हूँ अभी करके. सबसे पहले आपको इसको इंक्रीज़ करना है, अब रीडिंग नोट करते जाना है. जब थोड़ा एक डेविएशन आ गई तो आपने इसकी रीडिंग नोट करनी है. 71-72 पर गई, उसके बाद इसकी रीडिंग नोट करो, फिर 73 पे गई, उसके बाद इसकी रीडिंग नोट करो. ऐसे करते जाना है, मैं आगे आपको आगे दिखाता हूँ करके. अपने रीडिंग नोट करते जाना, जितनी भी रीडिंग आएगी इसकी, 25-30 जितनी भी रीडिंग आएगी, आपको सारी रीडिंग जो है वो नोट करनी है. उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए, मैं इसको इंक्रीज़ करते जा रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ. ठीक है, इंक्रीज़ करो, आपने रीडिंग नोट करनी है. देखो, 116 पे आपकी 0.26 आई, तो आपने ये भी रीडिंग नोट करनी है. फिर 118 पे आपकी 0.27 आई, इसको भी आपने नोट करना है. V1 और V2 की रीडिंग आपने नोट करनी है. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें फ्लक्चुएशन आएगी, ये इंक्रीज़ हो रही है, एकदम से ये डिक्रीज़ हो जाएगी. जब डिक्रीज़ होगी वहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट उसको भी दोबारा से रिपीटेडली करना है. फिर इसका इसकी जो वैल्यू आएगी उसको अपने नोट डाउन करना है. ये देखो, यहाँ पे डिक्रीज़ होगी, कहाँ पे, ये 140 पे है ना, तो यहाँ पे एकदम से क्या होगी, ये डिक्रीज़ हो जाएगी. ये देखो 97 पे आ गई. उसके बाद आपने इसको रिपीटेडली करना है एक्सपेरिमेंट को, फिर इसकी रीडिंग लेनी है. उसके बाद जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपने राइट ऑन कर देना है. ठीक है, इतना सा एक्सपेरिमेंट है. इसके जो आप देख सकते हैं प्रोब्स लगाई हुई हैं, इसको कनेक्शन ऐसे कनेक्ट करेंगे इसको. ठीक है, रीडिंग नोट करनी है, बस इतना एक्सपेरिमेंट. V1 V2 की रीडिंग करो और इसको राइट ऑन करो, इतना सा एक्सपेरिमेंट है. थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू.